भाई वो आपको बताया था ना कि बहन की शादी है, तो 10 लाख रुपए चाहिए थे। हाँ मैं लौटा दूंगा जल्द से जल्द। सुन बेटा। अच्छा भाई मैं करता हूँ। हाँ माँ। ज्योति को गाड़ी भी देनी है। गाड़ी? आप देख रहे हो ना कि उसकी शादी की तैयारी में कितना खर्चा हो रहा है, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? अरे एक ही तो बेटी है मेरी, अगर उसे भी गाड़ी नहीं दे पाएंगे तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? पर माँ मैं घर में अकेले कमाने वाला हूँ, नहीं दे पाएंगे माँ उसे गाड़ी। देख गाड़ी तो देनी है, कैसे वो तू खुद देख ले, और एक दो दिन में बुक भी करवा देना वरना टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाएगी। पर माँ कल तेरी मौसी का फोन आया था, वो कह रही थी कि उन्होंने काजल की शादी में सारे बरातियों को चांदी का एक एक सिक्का दिया था। अच्छा फिर? तो मैंने भी कह दिया कि हम ज्योति की शादी में लड़के के घर वालों को सोने की एक एक चेन और बरातियों को चांदी का एक एक सिक्का दे रहे हैं। माँ कैसी बात कर रही हो आप, अरे आपको पता नहीं कि सोना चांदी कितना महंगा हो गया है। अब मैंने तो कह दिया, अब मैं पीछे कैसे हटूं? अरे माँ कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी ना है, और वैसे भी आपके कहने पे इतना फिजूल खर्चा पहले हो चुका है, और पैसे नहीं है अपने पास। देख बेटा अब तेरे पापा तो है नहीं, तो तेरी बहन की शादी की सारी जिम्मेदारी तेरे ही पे है ना। बात तो सही है माँ, पर आप परवरम नहीं, सबको सोने की एक एक चेन और चांदी के सिक्के देने हैं तो मतलब देने हैं। सुन मैं जरा मिसेस गुप्ता से मिल के आती हूँ, अरे उन्हें भी तो बताएं कि हम कितनी लाविश शादी कर रहे हैं। तू जब तक ये पराठा खा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मम्मी कहाँ हैं? जरा बुलाओ। वो आंटी मम्मी तो हॉस्पिटल में हैं भैया के पास। हॉस्पिटल में? क्यों क्या हुआ? इधर आके बैठो फिर बताओ क्या हुआ बेटा। वो आंटी भैया को हार्ट अटैक। अच्छा तुम रो नहीं बेटा, हाँ चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये लो तुम पानी पियो बेटा। अब बताओ कैसे हुआ ये सब? आंटी घर की सारी जिम्मेदारियाँ भैया पर ही हैं, ऊपर से ऑफिस के काम की इतनी टेंशन, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ उनका स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि आज वो हॉस्पिटल में है। और अब मैं सोचती हूँ कि काश उन्होंने ये बारे बारे हमारे साथ शेयर की होती। देख देख गाड़ी तो देनी है, कैसे वो तू खुद देख ले, सोने की चेन और चांदी के सिक्के देने हैं तो मतलब देनी है। क्या हुआ माँ, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे माफ कर दे बेटा। माँ हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने कभी कार के लिए तो कभी सोने की चेन के लिए तुझ पर बहुत प्रेशर डाला ना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि लोगों के आगे दिखावा कर सकूं, जबकि तूने अपने पापा के जाने के बाद हमें बहुत अच्छे से संभाला, इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाई। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ। कोई बात कैसे नहीं, अब हम ये शादी अपने हिसाब से करेंगे, ना कि लोगों के दिखावे के लिए। मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा आप बोलो।
अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।